गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और देखिए, आज बहुत सुंदर जबलपुर का नज़ारा है। तो सामने एक मल्टी दिखती थी, जो फ्लैट्स बन रहे थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज घर तक, अंदर तक कोहरा है। बहुत शानदार नज़ारा है चारों तरफ का, तो मैं आपको सामने भी दिखाऊंगी कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना सुंदर नज़ारा और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड भी काफ़ी है। और तो बने रहिए। और आपके यहाँ कैसा वेदर है? जबलपुर में तो बहुत शानदार वेदर हो रहा है। और आप भी बताइए अपने यहाँ कैसा वेदर है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताएं। और आज संडे के दिन बने रहिए। तो ऐसे आज मैं अपने ब्लॉग में आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपी लेकर आऊँगी जो ठंड में खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो दिन भर बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर। हैप्पी संडे गाइस। हाँ तो गाइस, मैं आपको सुबह मिल चुकी थी। मैंने आज का वेदर दिखाया कि बहुत कूल कूल था, बहुत अच्छा था, चारों तरफ कोहरा था। और अब छट चुका है, थोड़ी सी धूप निकल आई है। और इसी वेदर के साथ आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ चटपटे मेथी के थेपले। गुजराती डिश है, आपको गुजरात में बहुत जगह खाने को मिल जाएगी। तो चलिए आज उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे किचन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने लिया है गेहूँ का आटा है, ये सिंपल अपन जो घर में यूज़ करते हैं। और इधर मैंने ली है बड़ी कटोरी बेसन लिया है, इधर मैंने मेथी ली है बिल्कुल साफ धुली हुई है, इधर मैंने प्याज लिया है, अदरक लिया है, हरी मिर्च है और लहसुन है, जिसका मैंने यहाँ पर पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और तो चलिए, और मैं आपको बताऊंगी कि इस रेसिपी के साथ बैंगन का भरता फेमस है गुजरात में, तो ये मैं बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी पहले से ही मेरे चैनल पर है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम तैयार करते हैं। तो इसमें जितना पूरा बेसन को मैं मिक्स कर दूंगी, इधर में यहाँ पर हम मेथी को मिक्स कर देंगे। आटा हो गया, बेसन हो गया, यहाँ पर मेथी हो गई। तो पूरी मेथी को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे इसमें। फिर प्याज डालूंगी मैं इसमें, प्याज एक प्याज लिया है मैंने यहाँ पे, तो एक प्याज जो है पूरा मैं इसमें उठा के इसमें मिक्स कर दूंगी। और जो हमने इधर मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, वो यहीं पर मैं इसमें, ये ऐसा पेस्ट बनाया था मैंने, वो पूरा मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी हींग मिक्स करूंगी। थोड़े मसाले लेंगे हम, तो मसाले में मैं यहाँ पर लाल मिर्च डालूंगी। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कलर के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, जिससे हमारा कलर बहुत अच्छा आता है थेपलों का। और यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को ऐड करूँगी। गाइस, इधर मैं थोड़ी सी अजवाइन मिक्स कर दूंगी इसमें, इतनी सौंफ लूंगी मैं इसमें, सौंफ मिक्स करूँगी इधर। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, तो मैं हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको तैयार करें। यहाँ पर हमें ऐसा डो बना के इसका तैयार कर लेना है। और इधर हम इसको 15 मिनट्स के लिए इस डो को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और रेस्ट करने के पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इस तरीके से हमें ऑयल लगा देना है, 15 मिनट्स बाद इसके थेपले बनाएंगे। चलिए गाइस, इसके मैं थेपले बनाना बताती हूँ आपको। तो मैंने ऐसी इसकी लोई बना के रख ली थी, और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल, इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। और अब मैं इसको बेलूंगी, तो चलिए बेलती हूँ। तरीके से बेलेंगे हम, और हमें पलटना है, गैस की फ्लेम हम तेज रखेंगे। और हम इधर ऑयल लेंगे, इस तरीके से ऑयल लेंगे और इस पर ग्रीस करेंगे, हमें अच्छे से ग्रीस करना है। और इसको हमको ऐसे पलटना है। हमको ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस करना है। अच्छी तरीके से हमें सेकना है। आप थेपले का साइज कोई भी रख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। आप देखेंगे मेरे थेपले बनके रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं।
और आप भी अपने घर में जरूर रेसिपी ट्राई करें। और इसको किस चीज़ के संग खा सकते हैं तो मैं बताती हूँ। इधर मैंने लिया है सॉस और ये मैंने टमाटर लहसुन हरी मिर्ची इसकी रेसिपी, ये चटनी बनाई है और इसकी रेसिपी मैंने अपने ब्लॉग में नहीं दी है तो ज़रूर मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने बनाया है बैंगन का भरता और ठेपलों को खासकर बैंगन के भरते के साथ ही खाया जाता है। तो प्लीज़ आप भी अपने घर में बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हेलो, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और मम्मी ने जो ये बनाया था ना पराठा और सब्जी और चटनी और सॉस, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इतनी ठंड हो रही थी ना आज, और उसके बाद गरम गरम पराठे और चटनी, आई लव दिस फूड, वाव। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।